गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग आए हैं कोरापुट, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, बहुत फेमस है यहाँ। मतलब ऐसे घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा अच्छा जगह है, सीनिक व्यू है यहाँ पे बहुत अच्छा। तो आज हम लोग वहाँ पे आए हैं। बाकी ये वाला जो है, ये देख सकते हो, ये हमारा होटल है जहाँ पर हम लोग रुके हैं। होटल लेमन कैसल करके नाम है इसका, बहुत सही होटल है। अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में हमारा, जो कि है देवमाली, यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है। तो आपको वहाँ पे जाके मिलते हैं, ठीक है, चलो। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं देवमाली, जो कि यहाँ का ओडिशा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से व्यू बहुत शानदार है, जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे, मैं जो डाला अभी वीडियो में, जो आने का टाइम कितना शानदार व्यू था ना यहाँ पे। और यहाँ पे भी और ज़्यादा अच्छा व्यू है, ये पूरा हाईएस्ट पॉइंट है। देखो वहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ये जो है, ये पूरा हाईएस्ट पॉइंट है, ये सबसे ऊपर है, वहाँ तक जाएंगे हम लोग अभी ऑन द पूरा ट्रैकिंग करके जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ से जो व्यू है ना, वो तो कुछ गजब ही है। क्या व्यू है यार, यहाँ से देखो मेरे पीछे पूरा, वाह बहुत शानदार व्यू है। और आपको दिखाता हूँ वहाँ ऊपर जाके, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे ऊपर जाके, वहाँ पे आराम से खड़े होकर ना, वहाँ पे पॉइंट जाके, उस पॉइंट में पहुँच के ना, आपको आराम से पूरा व्यू दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। रुको अभी चलते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ पे जाके आपको पूरा व्यू दिखाएंगे अच्छे से। तो अभी एक जाएंगे, एक पॉइंट है, वहाँ से पूरा आपको अच्छा व्यू दिखेगा, उस पॉइंट में चलते हैं, आपको दिखाएंगे पूरा अच्छे से। और ये हमारे साथ ये गुड्डू भैया है, और ये गुड्डू भैया हमारे यहाँ पे लोकल गाइड बन के हेल्प कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या घुमाते हैं हमें कोरापुट में। और ये वाला देखो, ये वाला जगह से हम लोग अच्छे से पूरा पॉइंट दिखेंगे। वाओ क्या व्यू है यार यहाँ से, ओहो हो क्या नज़ारा है। देखो वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है, मतलब क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे लोकल सब खेलते हैं क्रिकेट वगैरह। यहाँ पे हवा भी अच्छा चल रहा है, इतना ऊपर ना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो फीलिंग्स अच्छा आ रहा है, अच्छा वाला वाइब्स आ रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो, इनके पीछे यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है इन सबका। गुड्डू भाई भी सेल्फी ले रहे हैं तुम्हारे साइड में, दिखा दो गुड्डू भाई को थोड़ा। तो ये हमारा यहाँ पे फोटो भी ले लिए गुड्डू भैया, लोकल गाइड है। अच्छा बाकी इन सब का पीछे देखो पूरा फोटो शूट चल रहा है, अच्छा जगह है, व्यू भी अच्छा आ रहा होगा। हम भी एक दो फोटो लेते हैं, आपको फिर दिखाएंगे, फोटो वगैरह भी डालेंगे। चलो आगे में। तो अभी हाँ, सब लोग फ्रेंड्स बढ़िया हो। तो अभी हमारे साथ दोनों गुड्डू आके जुड़ गए हैं, ये गुड्डू भैया जो कोरापुट से, और ये गुड्डू भैया तो इसको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारा लोकल गुड्डू है। बस बस। और बाकी कैसा लग रहा है यहाँ पे तुझे गुड्डू? मस्त, ओडिशा का एकदम भाई, पूरा बढ़िया, पूरा टॉप ऑफ द हिल। थोड़ा देर के बाद अंदर स्टेट लागू होता है। अच्छा, यहाँ से वो जो लोकल गाइड गुड्डू भैया है ना, वो बोल रहे हैं यहाँ से आंध्र का बॉर्डर भी पास में ही है, और हम लोग जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ भी जाने वाले हैं, सब प्लान में है, आगे आगे देखते जाओ, बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है आगे। और बाकी आपको ये जगह अच्छे से दिखाएंगे, पर और भी है जगह दिखाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो देवमाली का सबसे टॉप पीक है ना, वहाँ पे जा रहे हैं अभी ट्रैकिंग करके। ये देखो पूरा पहाड़ी रास्ते में चल रहे हैं हम लोग, मेरे साथ गुड्डू है, पीछे मज़ा आ रहा है एकदम बढ़िया, पीछे भैया लोग सब आ रहे हैं, और आगे गुड्डू भी चल रहा है आगे, जो कि हमारा लोकल गाइड है। और आगे हमारा ऋतिक रोशन भी चल रहा है। देखो ऋतिक पहाड़ चढ़ने में फास्ट होता है ना, वो पूरा सामने लीडिंग लेके चल रहा है। ऋतिक थोड़ा वेव कर दे,
और वो देखो गुड्डू भैया भी वेव कर रहे हैं। चलो बहुत मजा आने वाले हैं दोस्तों, आप बस एंजॉय करो। हाँ रियल एंजॉय हम लोग कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देख के एंजॉय करो, बहुत मजा आने वाला है आप सबको। ये सर ट्रैकिंग मतलब पूरा उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट पीक पे जा रहे हैं हम लोग अभी, पीछे ओडिशा और आंध्रा बॉर्डर। ये ओडिशा में आता है ना कोरापुट, पर आंध्रा बॉर्डर भी पास में ही है। जो पीक है ना उस पीक पर जाना है अभी। चलो अभी रास्ता भी मिल गया हमें, रास्ता में उठेंगे भी। नहीं ये थोड़ी बॉर्डर के उस तरफ है, ये तो हमारे स्टेट में है ना। नहीं ओडिशा और आंध्रा बॉर्डर में है ना। आंध्रा पुलिस पकड़ेगा। अरे हमसे भी इंडियन है ना। मुन्नी तो आगे भाग के चला गया, मुन्नी बड़ा हो गया ना, आगे भाग के चला गया मुन्नी। इसलिए मुन्नी का दोबारा फिर से पार्ट आ रहा, बजरंगी भाई जान तू। ये देखो पीछे से व्यू देखो, क्या शानदार व्यू है। तो ये आगे सेल्फी पॉइंट भी है, वहाँ पे आराम से सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। रुको आपको व्यू दिखाता हूँ वहाँ से, देखो ये वाला पूरा सेल्फी पॉइंट है, बहुत अच्छा फोटो आता है यहाँ से। बहुत ज़्यादा धूप भी है आज, पर मज़ा आ रहा है। और वहाँ वहाँ देखो सुमेश कैसे आ रहा है, डुड्डू भाई। चलो सही है। और ये भागते हुए भैया भैया आ रहे थे। हाँ हाँ आ जा। ऋतिक का बकचोदी शुरू हो गया है, पर जो बोलो यार इन पहाड़ियों में कुछ अलग ही वाइब्स आता है। इन सब जगह का वाइब्स ना कुछ अलग ही होता है हमेशा, बहुत मज़ा आता है। हमको भी ऐसे बाइक में आना चाहिए था, बाइक में आते तो ज़्यादा मज़ा आता। ये देखो गुड्डू ऐसे क्यों चल रहा है वे, ड्राइवर हमको चुना लगा दे है ना। हमारे हम लोग संतोष भाई को मिस कर रहे हैं, वो होते तो पूरा पहाड़ के ऊपर ले जाते। ये लोकल ड्राइवर थोड़ा अगर रूट भी नहीं होता तो वो खुद रूट बना लेता। हाँ पर ये लोकल ड्राइवर थोड़ा बोलता है तुम लोग बैठो मैं लेके जगह पहुंचाता हूँ। पर जो भी हो ट्रैकिंग करने का भी अलग ही मजा होता है ना। ये कौन सा ट्रैकिंग होता भाई, ये रास्ते में चल रहे, पहले हम लोग पहाड़ से आए ना, अभी तो रास्ते में चल रहे थे। यहाँ पे पार्किंग के लिए था पर वो ड्राइवर में चूना लगा दिया, बोला कि यहाँ पे ऊपर घुमाने के लिए गाड़ी के लिए जगह नहीं है, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए हमें ट्रैकिंग करके आना पड़ा। तो गाइस आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ ट्रैकिंग हम लोग फाइनली पूरा टॉप पे पहुँच गए, जो कि देवमाली का सबसे टॉप पॉइंट है। बाकी आप सबको तो अच्छा लगा होगा, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ पर। बाकी ये जो आपको तो जान मतलब ये जगह के बारे में तो आप सब सुने ही होंगे, देवमाली जो कि ओडिशा का टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। बाकी आंध्रा का बॉर्डर भी यहीं पास में, इस आंध्रा का एक विलेज है जो कि यहाँ से दिखता है पूरा, अब यही है। बाकी अभी कैसे लगा आपको ये वीडियो बताना। और ये लिंकन भाई भी है हमारे पास, लिंकन भाई हाय। कैसा रहा आपका ट्रैक? ट्रैकिंग तो बढ़िया रहा, और थोड़ा ऊपर तक जा सकते थे लेकिन ये सबसे एंड है, फिर और ऊपर नहीं जाएंगे, और बहुत ऊपर तक बहुत रिस्की है। हाँ और इसके ऊपर जाने से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, तो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे हमारा आज का देवमाली वाला ब्लॉग। बाकी आगे और भी नया नया जगह जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, आप सबको दिखाएंगे पूरा अच्छे से। बाकी तब तक आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर, आपको घंटा वाला जो बटन है ना उसको जरूर बजाना। चलो चल तो मिलते हैं आगे, चलो बाय।